फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी आसान न्यू ट्रिक जिससे कि आप मार्केट में मिलने वाले महंगे मैट्रेस घर में ही बना के तैयार कर सकते हैं। किसी भी साइज का मैट्रेस आप बना सकते हैं इस आसान ट्रिक से। तो फ्री ऑफ कॉस्ट घरेलू वेस्ट चीजों से हम इसको बना के तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैट्रेस बनाने के लिए मैंने पुरानी बेडशीट का इस्तेमाल किया है। पुरानी बेडशीट से मैंने ये पीस कट कर लिया है। तो मैट्रेस बनाने के लिए आप कोई भी फैब्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। पुरानी साड़ी दुपट्टों का इस्तेमाल भी आप इसमें कर सकते हैं। तो जितनी भी साइज का हमें मैट्रेस बनाना है बस उसी के अकॉर्डिंग हमें पीस कट करना है। तो ये पीस मैंने कट कर लिया है। तो अभी हमें इसकी मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम इस पीस को इस तरह से खोल लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसकी विड्थ मापनी है। तो इस तरह से हम इस पीस को रख लेंगे और इंच टेप को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। तो इसकी जो टोटल विड्थ है हमारी वो आ रही है हमारी 47 इंच। तो आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो अभी हमें इसकी लेंथ मापनी है। तो इस तरह से इस पीस को हम रख लेंगे और इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम इंच टेप को इसके ऊपर रखेंगे। तो इसकी टोटल लेंथ है हमारी वो आ रही है 56 इंच। 3 इंच और ऐड कर लेंगे हम इसमें। तो इस तरह से ये पीस हमारा रेडी हो गया है। तो इसको इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके इस तरह से हमने इसको रख लिया है। तो जितनी भी साइज का आपको मैट्रेस बनाना है बस उसी के अकॉर्डिंग आपको पीस कट करना है। तो ये जो पीस है हमने इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है। तो ये हमारी बंद वाली साइड है और इस साइड हमारी ओपन वाली साइड है। तो इस तरह से हमने इस पीस को फोल्ड करके रख लिया है। तो अभी हमें मार्किंग करनी है इसकी। तो मार्किंग करने से पहले हमें दोनों साइड इसमें फोल्ड करके इस तरह से दोनों साइड स्टिच लगाएंगे ताकि ओपन साइड है हमारी ये बंद हो जाए। उसके बाद में हमें इसमें लाइनें ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से हमने फोल्ड करके पीस को रखा हुआ है और 1 इंच हमें सिलाई के लिए छोड़ना है। तो ये हमारा जो ओपन साइड है उसमें हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम 4-4 इंच पे निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें 1 इंच पे निशान लगा लिया है, फिर हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। तो फिर से हमें इस तरह से 4 इंच पे निशान लगाना है। तो इस तरह से हमें 4-4 इंच के इसमें बॉक्सेस बना के रेडी करने हैं। तो आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, छोटे साइज के बॉक्सेस भी बना सकते हैं और बड़े साइज के भी। मैंने इस तरह से ये 4-4 इंच के बॉक्सेस बना के रेडी किए हैं। तो आगे भी हम पूरे पीस पे इसी तरह से बस 4-4 इंच के बॉक्सेस बना के रेडी कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें बॉक्सेस बना के तैयार करने हैं पूरे पीस पे। तो इस साइड हमें खुली वाली जो साइड है हमारी इसमें हम सिलाई लगाएंगे बाद में। तो इस तरह से हमने पूरे पीस पे 4-4 इंच पे बॉक्सेस बना के रेडी कर लिए हैं। तो ये सारी लाइनें हमने ड्रॉ कर ली हैं। तो सारी लाइनें हमारी ड्रॉ हो चुकी हैं। इस तरह से सीधे सीधे हमने लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। तो अभी हमें सिलाई लगानी है इसके ऊपर। तो सीधे सीधे बस जितनी भी लाइनें हमने ड्रॉ की हैं बस इन्हीं पे हमें सिलाई लगा के इस पीस को पूरा हम रेडी करेंगे। तो बाकी मैं सिलाई मशीन पे चल के बताती हूँ। तो इस तरह से हमें सीधे सीधे इसमें सिलाई लगानी है। तो पूरे पीस पे हम इस तरह से जो भी हमने लाइनें ड्रॉ की हैं सब पे हम सिलाई लगा के इस पीस को रेडी कर लेंगे। तो बस इस तरह से हमने सारी लाइनों पे सिलाई लगा ली है। अभी ये ओपन है दोनों साइड। इस तरह से इसको हम फोल्ड कर लेंगे और इस पे फोल्ड करते हुए सीधी हम इसमें टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो दोनों साइड हम इसको इसी तरह से बंद कर लेंगे। तो बस इस तरह से हमने सीधे सीधे इस पीस पे सिलाई लगा ली है और जो ये ओपन साइड थी दोनों साइड हमने इसमें इस तरह से फोल्ड करके टॉप स्टिच लगा ली है, इस साइड भी और दूसरी वाली साइड भी। तो ये खुली वाली साइड हमने दोनों साइड बंद कर दी है। तो इस तरह से ये पीस हमारा अभी रेडी हो गया है।
तो इस तरह से हमारे जो ये बॉक्सेस हैं बन के रेडी हो गए हैं। तो मैंने 4-4 इंच के बॉक्सेस बना के रेडी किए हैं। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, छोटे साइज के बॉक्सेस भी बना सकते हैं और बड़े साइज के भी। तो इस तरह के ये बॉक्सेस हमारे बन के रेडी हो गए हैं। तो अभी हमें इनको फिल करना है। तो अगर आपके पास सिलाई से बची हुई कतरन है तो आप वो भी इसमें फिल कर सकते हैं, या फिर फोम वगैरह है तो आप वो भी फिल कर सकते हैं, या फिर जो शॉपिंग बैग होते हैं उनको आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके आप उनको भी इसमें फिल कर सकते हैं। तो पुरानी जो कॉटन होती है आप उसका इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हैं। तो मेरे पास रखी हुई थी पुरानी कॉटन, मैं उसका इस्तेमाल इसमें करने वाली हूँ। तो हमारे पास जो पुराने पिलो होते हैं आप उसकी कॉटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पुराने जो गद्दे होते हैं उसकी कॉटन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे ही बॉक्सेस को इस कॉटन से फिल करेंगे। तो शुरुआत हम इस वाले बॉक्स से शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम इसको फिल करेंगे। तो थोड़ी थोड़ी कॉटन हम इस तरह से इसमें डालते जाएंगे और इस तरह से हम इसको फिल करेंगे। तो वन बाय वन हम कॉटन को इस तरह से इसमें फिल करते जाएंगे। तो कॉटन को फिल करने के लिए आप कोई भी नुकीली चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास ना ये स्केल रखा हुआ था, इसकी मदद से मैं कॉटन को इसमें इस तरह से फिल करूंगी। तो बस इस तरह से ये बॉक्स हमारा फिल हो चुका है और इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। अभी दूसरा वाला बॉक्स भी हमें इसी तरह से फिल करना है। तो इस तरह से हम स्केल की मदद से कॉटन को फिल करेंगे। तो सारे ही बॉक्सेस हमें इसी तरह से बस फिल करके इसको रेडी करना है। तो फाइनली हमारे सारे बॉक्सेस फिल हो चुके हैं, अच्छे से इसको हम सेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारी ओपन वाली साइड है। तो इस ओपन वाली साइड पे भी हमें सिलाई लगा के इसको रेडी करना है। तो आप चाहे तो इस पे सिलाई भी लगा सकते हैं मशीन से, या फिर आप सुई और धागे से भी इस पे सिलाई लगा सकते हैं। तो अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ओपन वाली साइड भी हमने सिलाई लगा के इसको फिनिश कर लिया है। तो फाइनली हमारा जो मैट्रेस है वो बनके रेडी हो गया है। तो बस इस आसान ट्रिक से आप किसी भी साइज का मैट्रेस बना के रेडी कर सकते हैं। योगा कारपेट भी आप बना सकते हैं, कारपेट भी बना सकते हैं। अगर आप कारपेट बना रहे हैं तो आप इसके बॉक्सेस छोटे साइज के कर दीजिएगा, जिससे कि आपकी जो कारपेट है वो भी बनके रेडी हो जाएगी। तो बस इस आसान ट्रिक से आप महंगे मैट्रेस घर में ही बना के तैयार कर सकते हैं और किसी भी साइज का मैट्रेस आप बना सकते हैं। मैट्रेस ही नहीं, आप कारपेट, कालीन, योगा कारपेट आप आसान तरीके से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी इसको घर में जरूर बना के रेडी कीजिएगा। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसको बनाने के लिए हमें कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। पुरानी बेडशीट और जो वेस्ट हमारे पास कॉटन रखी हुई थी उससे ही बना के हमने इसको रेडी किया। तो मैट्रेस से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, तो आप वो जाके भी प्लीज जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह की वेस्ट मटेरियल पे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग सी वीडियोज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।